सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट बजट स्मार्टफोन अंडर 8K, यानी कि 8000 या 8000 से कम में आने वाले ऐसे बेस्ट बजट वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन जो आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप लोग अक्टूबर के महीने में एक बजट मोबाइल फोन बाय करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे मोबाइल फोन बताऊंगा जो आपको बजट रेंज के अंदर तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी और ठीक ठाक कैमरे और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि ये पांचों के पांचों स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फोन मनी रहने वाले हैं। तो ही गाइस, मेरा नाम है अंकुर राठी और आप देख रहे हैं फालतू टेक। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबा ले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर फेस्टिवल सेल स्टार्ट है। अगर आप इन स्मार्टफोन को फेस्टिवल सेल के अंदर बाय करते हो तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे मोबाइल फोन की जहाँ पर आपको हाई रेम और हाई स्टोरेज वो भी 8000 की कीमत में मिल जाएगा और इस मोबाइल फोन से आप लोग एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हो। दोस्तों ये मोबाइल फोन पोको की तरफ से 30 सितंबर को ही लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पोको C31। Poco C31 हालांकि Poco C3 से मिलता जुलता मोबाइल फोन है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो काफी सेम आपको देखने को मिल जाएगी, बट अगर हम इसके प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जस्टिफाई करती है, क्योंकि ये मोबाइल फोन 8000 की कीमत में आता है। 8000 रुपये में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो काफी मैसिव डिस्प्ले है। HD+ की रेजोल्यूशन है और वाटर ड्रॉप नोच मिलती है, तो ऑनलाइन स्टडी करते हो तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जो ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी यहाँ पर दी गई है, आउटडोर में और इंडोर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। बात करें अगर हम प्रोसेसिंग पावर की तो यहाँ पर यूज किया गया है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर। आई थिंक गाइस ये जो प्रोसेसर है ये बजट के रेंज के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि मैंने जब भी इस प्रोसेसर के साथ गेम प्ले किया था तो काफी अच्छी गेम प्ले यहाँ पर आप ले सकते हो। ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इससे हाई सेटिंग के अंदर हाई गेम प्ले कर सकते हो, बट लो सेटिंग के अंदर इससे आप BGMI, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को आसानी से प्ले कर पाओगे। और कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे के सेटअप है। वाइड एंगल सेंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पोको C3 और C31 में कि C31 पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो C3 पर आपको देखने को नहीं मिलता, बट 8000 की कीमत में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन है। दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करें तो ये आता है रियलमी की तरफ से Realme C21 Y। दोस्तों Realme C21 Y को आप लोग 8000 की कीमत में फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सेल के अंदर बाई कर सकते हो, यानी कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर बाई कर सकते हो। हालांकि ये 9000 रुपये में आपको देखने को मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर ही आपको 8000 रुपये की कीमत में मिलेगा। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलेगी वो 6.5 इंच की मिलेगी, जो HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आती है। वाटर ड्रॉप नोच मिलती है, तो डिस्प्ले अगेन यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। जो प्रोसेसर मिलेगा वो आपको नया देखने को मिलेगा, यानी कि Unisoc T610 का यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। एंड्रॉइड 11 के साथ Realme UI 2.0 का सपोर्ट मिलेगा। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलता है। बजट रेंज के अंदर आप लोग Realme C21 Y को भी कंसिडर कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको देने वाला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट मोबाइल फोन की, यह आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, जिसका नाम है इन्फिनिक्स Hot 10 Play। ये मोबाइल फोन आपको 8000 रुपये की कीमत में मिल जाएगा और अगर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर बाय करते हो तो ये मोबाइल फोन आपको हैवी डिस्काउंट के साथ देखने को मिल रहा है। अगर हम इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Hot 10 Play पर आपको 6.82 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो आपको काफी मैसिव डिस्प्ले मिलती है और HD+ का रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। वाटर ड्रॉप नोच मिलती है, तो डिस्प्ले काफी अच्छी होगी। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो ये डिस्प्ले आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली। बात करें अगर हम इसके प्रोसेसिंग पावर की तो यहाँ पर लगाया गया है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर। इस मोबाइल फोन से आप लोग अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हो। 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज भी दिया जाएगा, तो गेमिंग के मामले में भी मैं बोलूंगा कि बजट के हिसाब से एक अच्छे स्मार्टफोन है। लो सेटिंग के अंदर इस मोबाइल फोन से आप BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम भी प्ले
कर सकते हो। 13 मेगापिक्सल की डुअल कैमरे का सेटअप है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगी और 6000 mAh की बैटरी यहां पर दी गई है। दोस्तों मोबाइल फोन काफी अच्छा है। सिक्योरिटी के लिए फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी मिलेगा। यहां पर आपको डुअल LED फ्लैश मिलेगी, यानी कि फ्रंट और रियर साइड पर LED फ्लैश का सपोर्ट भी यहां पर दिया गया है। तो इन्फिनिक्स Hot 10 पहले अभी के टाइम में 8000 की कीमत में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोबाइल फोन की। ये मोबाइल फोन आता है हमारे इंडियन ब्रांड यानी कि माइक्रोमैक्स की तरफ से, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन 2B। दोस्तों माइक्रोमैक्स इन 2B आपको 8500 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा, लेकिन 8500 रुपए की कीमत में ये मोबाइल फोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो वाकई में काफी अच्छी मिलती है। 6.52 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो HD+ के रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 720 पिक्सल वाली डिस्प्ले मिलती है। वो वाटर ड्रॉप नोच दी गई है, अच्छी डिस्प्ले मिलती है प्राइस के हिसाब से, और यहाँ पर यूनिसोक T610 का प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों ये सेम प्रोसेसर आप लोगों को Realme C21 Viper मिलता है, नया प्रोसेसर है, काफी सारे मोबाइल फोन पर आपको देखने को मिलने लगा है। और 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और यहाँ आपको 6GB रैम भी दी जाती है, यानी कि उसके लिए आपको थोड़े पैसे ज्यादा चुकाने होंगे, लेकिन यहाँ पर आप 6GB रैम का भी आनंद ले सकते हो। और बात करें अगर हम इसके कैमरे सेटअप की, तो डुअल रियर कैमरे का सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और सेल्फी कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर दिया गया है। तो एवरेज परफॉर्मेंस कैमरे से आप लोग ले सकते हो, तो डिसेंट से कैमरे यहाँ पर दिए गए हैं। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप लोग 8000 की कीमत में माइक्रोमैक्स इन 2B पर प्योर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस ले सकते हो, यानी कि क्लीन UI यहाँ आपको दी जाएगी। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मोबाइल फोन की। गाइज ये मोबाइल फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि इन्फिनिक्स ने कुछ दिनों पहले होट सीरीज के अंदर अपने दो नए मोबाइल फोन लॉन्च किए थे, इन्फिनिक्स होट 11 और इन्फिनिक्स होट 11S। दोस्तों इन्फिनिक्स होट 11 को आप लोग 9000 की कीमत में बाई कर सकते हो, डिस्काउंट वगैरह लगाकर बात करें तो ये मोबाइल फोन आपको अराउंड 8000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो इस पर स्पेसिफिकेशन मिलती है ना वाकई में काफी अच्छी दी गई है। यहाँ पर आपको 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो HD+ के नहीं बल्कि फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आती है, यानी कि 8 और 9000 रुपए के प्राइस में भी यहाँ आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। वाटर ड्रॉप नोच यहाँ पर दी गई है। प्रोसेसिंग पावर में काफी दमदार मोबाइल फोन है, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर। इस मोबाइल फोन से आप लोग अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हो। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज भी दिया गया है। बात करें अगर हम मोबाइल फोन के कैमरे सेटअप की, तो 13 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरे का सेटअप है और 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिया गया है। 5200 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है। 5200 mAh की बैटरी तो देखने को मिलती है और ऊपर से यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग यानी कि टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, सभी तरह के बेसिक सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो इन्फिनिक्स होट 11 आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप फेस्टिवल सेल के अंदर मोबाइल फोन को बाई करते हो तो काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ ये मोबाइल फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 मोबाइल फोन जिनको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और गाइज आने वाले समय में मैं, जैसे कि फेस्टिवल सेल स्टार्ट है जो 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी, और हर एक स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्मार्टफोन को आप किस डिस्काउंट के साथ बाई कर सकते हो, किन किन रॉकिंग डील को आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो गाइज अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।